क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एको को बोला जाता है द रिफ्लेक्शन The reflection of sound from an obstacle is called an echo. और अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का मतलब जैसे पहाड़ पे होता है, आपने एक दफा बोला आवाज 6 मरतबा रिफ्लेक्ट होके आया आपके पास, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और मल्टीपल एकोस आर कॉल्ड रिवर्बरेशंस। मल्टीपल एकोस आर कॉल्ड रिवर्बरेशंस। एको में अगर हम स्पीड ऑफ साउंड डिटरमिन करना चाहते हो तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला एको में होता है 2d/t। अच्छा, 2d/t होने का मकसद ये है बेटा कि साउंड एक मरतबा आगे जाएगी और एक दफा रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, इस वजह से ऑटोमेटिक डिस्टेंस होता है वो 2d होता है। एक मिनट रुकिएगा। सॉरी, हार्ड टू ये मुजम्मिल साहब बोलिए, हुक्म कीजिए। तो भाई द रीजन व्हाई आई एम यूजिंग 2d ओवर हियर बिकॉज साउंड ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस ट्वाइस ड्यूरिंग एको। एक दफा आवाज जाते हुए फिर एक दफा रिफ्लेक्ट होके वापस आते हुए, तो एक ही डिस्टेंस को 2 मरतबा ट्रेवल कर रही थी। मल्टीपल एकोज ये होते हैं बेटा कि एक ही जगह से 2-3 मरतबा एको जो है वो आ जाए, जैसे पहाड़ पे होता है ना कि आवाज एक दफा लगाई और रिफ्लेक्शन 6 मरतबा आ रही है। तो इंडियन फिल्म में नहीं देखा था तुमने, शाहरुख खान आवाज लगाता है सैया अपनी महबूबा को और वो 6 दफा पहाड़ों में से रिफ्लेक्शन होकर वापस आ रही होती, उस चीज को आप बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल एकोस, उनको हम बोलते हैं कि रिवर्बरेशन आई है। इस तरह से तो मुझे समझ में आता है, शाहरुख खान और महबूबा की मिसाल दी तुमने, बोला हाँ आप समझ में आ गया सर। चले, एको कम करने के हमारे पास कुछ रास्ते होते हैं। जब भी आप जैसे मिसाल के तौर पर आप जाओ किसी भी नए वाले घर में, आप देखते हो कि भाई आवाज अक्सर वहां पर गूंजती है, आप जो फर्नीचर वगैरह डाल देते हो तो फिर उसमें ये होता है कि इतनी ज़्यादा साउंड नहीं आपको एको होती नहीं मिलती। तो अगर आप एको रिड्यूस करना चाहते हो ना, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप कुशन मटीरियल का इस्तेमाल करें। कुशन मटेरियल से ये होता है कि आवाज वहां जाके जब रिफ्लेक्शन के लिए जाती है ना, तो वो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, सही है, तो वो आवाज को इतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये ऐसी बात है कि एक दीवार पे मैं एक टेनिस बॉल फेंकू और एक मेरे पास वहां पे कोई फोम लगा हुआ हो, मैं उसके ऊपर टेनिस बॉल फेंकू, तो जो वॉल से रिफ्लेक्शन होगी ना वो अच्छी होगी, टेनिस बॉल जाके रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी काफी अच्छे तरीके से। लेकिन अगर वहां पे कोई फोम लगा हुआ होता, कोई थिक सा फोम रखा हुआ होता, या आपका जो बेड है आप अपने बेड के ऊपर टेनिस बॉल को फेंको उतनी पावर से, तो वो उतने अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो कुशन मटेरियल कंप्रेस होके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता और
इसी तरह साउंड के साथ ये मसला होता है कि जब साउंड जाके एक कुशन मटेरियल से स्ट्राइक करती है, कुशन मटेरियल्स के अंदर आपके पास कह लो कि ये फर्नीचर के जो सॉफ्ट कुशन होते हैं वो आ जाते हैं, कारपेट्स आ जाते हैं, कर्टेन्स आ जाते हैं, तमाम चीजें आ जाती है। ये तमाम चीजें आप यूज करते हो कुशन आप उसके तौर पर, तो फोम्स एंड सीट्स, तो वहां पे रिफ्लेक्शन कम होती है। इसी तरह द यूज ऑफ कार्पेट्स एंड कर्टेन्स, और फिर बाकी आर्किटेक्चुरल डिजाइन होता है। सही, आर्किटेक्चुरल डिजाइन के अंदर आप ये देखते हो कि आप जो चीज डिजाइन कर रहे हो इस कमरे को जिस तरह से डिजाइन कर रहे हो कि उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने का चांस है या नहीं। आप अक्सर ऑडिटोरियम्स में देखा करो, ऑडिटोरियम्स को शेप ऐसा दिया जाता है कि रिफ्लेक्शंस कम से कम हो, ऐसा ना हो कि एक बात छह मरतबा ऑडियंस को सुनाई दे रही हो हालांकि बंदे एक ही दफा बोल रहे उस बात। इन चीजों को यूज किया जाता। अब जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई स्टूडेंट स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द बेस ऑफ अ टॉल क्लिफ। क्लिफ है ये बहुत सारी बड़ी सी, और यहाँ पे एक स्टूडेंट ये खड़ा हुआ है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो डी के बराबर है इस क्लिफ से। He claps two pieces of wood and measures the time that elapses before he hears the echo. वो दो wood pieces clap करता है तो लाजिम बताए आवाज प्रोड्यूस होगी, वो वहां जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और मूव करती हुई इस तक आएगी। और टाइम उसका नोट करते हैं, उसके बाद पांच वैल्यूज आई है टाइम की, पांच दफा एक्सपेरिमेंट किया उसने। बोलते साउंड की स्पीड जो है वो 320 मीटर पर सेकंड है एयर के अंदर, ये अज्यूम कर रहा है। डिस्टेंस डी बताइए कितना होगा। तो देखो आप स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी का फॉर्मूला लगाओ। टू डी क्यों लगाओ भाई, साउंड ने दो मरतबा डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक दफा जाते हुए और एक दफा वापस आते हुए। तो जो जो टाइम है ये सिर्फ जाने का टाइम नहीं है, ये सिर्फ वापस आने का टाइम नहीं है, ये जाने का प्लस वापस आने का टाइम है साउंड। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो आपका एवरेज टाइम आ जाएगा। स्पीड इसने रखी है 320, एवरेज टाइम आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। एवरेज टाइम कैसे निकालोगे, इन तीनों इन पांचों को प्लस करो, डिवाइड बाय 5 कर देना, फिर डिवाइड बाय 5 कर देना, आपके पास एवरेज टाइम आ जाएगा। तो हो जाएगा 0.72 प्लस 0.8 प्लस 0.71 81.71 डिवाइडेड बाय 0.75 आपका एवरेज टाइम आ रहा है। यहां से डी निकाल सकते हैं 320 अपॉन 2। मीटर्स, this is the distance from the man to the cliffs. ठीक है, इसमें कोई मसला? आगे बढ़ते, कोई मसला नहीं है अगर तो। एक ये सवाल है, एक बड़ा अच्छा सवाल, नहीं मुजम्मिल आपको जो डिस्टेंस बोला गया था वो बॉय और वॉल के दरमियान का मांगा गया था, तो आपके पास जो डिस्टेंस आया है वो बॉय और वॉल के दरमियान का ही आया, क्योंकि मैंने फॉर्मूला में 2D रखा था, मैंने ऑलरेडी डिस्टेंस को डबल करके रखा था। अब आपसे बोलते हैं मैन स्टैंड्स बिटवीन टू बिल्डिंग्स पी एंड क्यू, the diagram is not drawn to scale, he is 50 meters from p and 200 meters from q, ne p building q se unka fasla bata diya. He fires a gun and when the first and that first two echoes he hear are 1 second apart. wo ek bullet fire karta hai aur usse usse do gunshots ki awaaz sunai deti, theek hai, aur wo dono jo awaaze hain jo dono echoes hain wo dono echoes ek ek second ke fasle se। बोलते व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन।
his observation से speed of sound कितनी calculate की होगी उसने। तो देखिए एक echo तो आया होगा P से, और ये सबसे पहला echo होगा क्योंकि ये करीब है ना P, तो पहला echo एक P की तरफ से आया। दूसरा echo Q से reflect होके आया होगा, क्योंकि बिल्डिंग दूर है तो वो Q से reflect होके दूसरा echo आपके पास आया। अब अगर मैं इन दोनों की इक्वेशंस बना लूं, फॉर्मूला मेरे पास होता है स्पीड इक्वल 2d अपॉन t, ठीक है, मैं ये अप्लाई करूंगा तो p के लिए अगर बनाऊं स्पीड इक्वल टू 2d अपॉन t, तो इसमें स्पीड जो है मेरे पास वो मुझे निकालनी है, अननोन है, मैं v लिख देता हूं उसको। डिस्टेंस 50 मीटर का था और जो टाइम लगा वो मुझे नहीं पता, मैं इसको टाइम t1 बोल देता हूं। तो ये हो गया 100 अपॉन टी वन, ठीक है, ये कह लो कि टी वन इक्वल टू 100 अपॉन बी, कुछ भी लिख सकते हो। अब आ जाओ बिल्डिंग क्यू के ऊपर, बिल्डिंग क्यू के लिए अगर मैं इसी चीज को सॉल्व करूं 2d अपॉन टी पे, तो भाई स्पीड मुझे नहीं पता यहां पे, अभी बता रहा हूं तंजील बेटा, उस पर रुक जाओ। स्पीड अननोन है, इस बार डिस्टेंस था 200 मीटर का, तो आने जाने का मिला के हो गया 400 मीटर, और जो टाइम लगा वो T2 था, सही? मुझे नहीं पता कि उसे जाके वापस आने में बिल्डिंग क्यू से कितना टाइम लगा, ये 1 सेकंड, ये जाके साउंड के वापस आने का टाइम नहीं है, ये 1 सेकंड कुछ और है। तो मैं लिख सकता हूँ V को 400 अपॉन T2 या T2 इक्वल्स 400 अपॉन V। अब जो क्वेश्चन गिवन है आपको उसमें बोला गया है कि he fires a gun and the first two echoes he hear are 1 second apart, दोनों echoes में 1 second का फर्क था, सही? दोनों echoes में 1 second का फर्क था, पहले P की तरफ से आने वाला echo सुनाई दिया, फिर Q की तरफ से आने वाला echo सुनाई दिया होगा, और 1 second के फर्क से। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के टाइम को देखूं तो Q से आने वाले एको में और 1P से आने वाले एको में 1 second का डिफरेंस है, Q जो है वो 1 second बाद आया होगा, Q की तरफ का एको P के मुकाबले में 1 second बाद आया होगा, इसीलिए दोनों का टाइम डिफरेंस 1 second का। तो T2 हो गया 400 अपॉन V, T1 था हमारा 100 अपॉन V इक्वल्स 1, स्पीड सेम थी साउंड की, तो कोई फर्क नहीं है, सही? तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो 300 अपॉन वी, तो ये वी जो है वो उधर चला जाएगा, स्पीड की वैल्यू हो गई आपके पास 100 मीटर पर सेकंड। सवाल पूछो, ठीक है मुजम्मिल, मैं एक और दफा बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि दोनों साउंड्स के दरमियान में जो टाइम था, दोनों साउंड्स के दरमियान में जो टाइम था हमारे पास वो 1 second का टाइम था, सही? 1 second का फर्क आएगा दोनों के टाइम के। अब हुआ ये है कि P से जो 50 मीटर दूर था एक रिफ्लेक्शन वहां से आई, एक रिफ्लेक्शन क्यू से आया आपके पास जो कि 200 मीटर दूर था। तो मैंने एक दफा फॉर्मूला बनाया P की तरफ से आने वाली रिफ्लेक्शन का, V equals 2D upon T, एक दफा फॉर्मूला बनाया Q की तरफ से आने वाली रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पे P की तरफ से रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बन गया V equals 2 times 50 upon T, और इस टाइम को मैंने बोल दिया T1, पहली रिफ्लेक्शन, और फिर इसी तरह जो दूसरे के लिए बनाया उसको मैंने टाइम दे दिया T2, क्या भाई दूसरी वॉल से आने वाली रिफ्लेक्शन का टाइम, डिस्टेंस उसके लिए 200 था, तो टोटल हो गया 400 मीटर, 200 जाने का, 200 वापस आने का।
क्वेश्चन में बताया गया था कि दोनों टाइम्स में जो फर्क आ रहा है, ठीक, दोनों टाइम्स में जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है 1 सेकंड का, दोनों एक्वस में 1 सेकंड का डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे 1, T2 माइनस T1 इक्वल्स 1। बस उसमें मैंने इक्वेशन रखी, सॉल्व कर दिया। V की पावर 2 नहीं होगी भाई, कैसी बातें कर रहे हो, V की पावर 2 कैसे हो सकती है, मैंने LCM लिया बेटा, मल्टीप्लाई थोड़ी किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक सवाल ये है, वैसे मैं चाहूंगा कि इस सवाल को थोड़ी सी आप, ये चलो मैं करवा देता हूँ, प्रैक्टिस करते रहना। A girl standing 150 meters in front of a tall building fires a shot using a starting pistol. A boy standing 350 meters from the girl has two bangs 1 second apart. इस बॉय को दो बैंग सुनाए दिए। अब आप मुझे बताओ ये दो बैंग कौन कौन से होंगे। गर्ल ने यहाँ से बुलेट फायर किए, सी स्टार्टिंग पिस्टल फायर किए, और बॉय दो बैंग सुनता है एक एक सेकंड के फर्क से, मतलब तो पहला बैंग आया फिर अगले बैंग में और पहले वाले बैंग में 1 सेकंड का डिफरेंस। तो भाई बताइए जरा, ये जो दो बैंग्स हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या है। बिल्कुल मुर्तजा, करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है मूसा, एक तो आपने सही बोल दिया, वन रिफ्लेक्टेड बाय द बिल्डिंग एंड द सेकंड वन। देखो बेटा, जब इसने बुलेट फायर की तो दो साउंड पल्सेस प्रोड्यूस हुए, एक पल्स डायरेक्टली बॉय तक आई होगी, एक पल्स बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होके बॉय तक आई होगी। दो पल्सेस हैं वो ये हैं, एक डायरेक्टली बॉय तक और एक बिल्डिंग से रिफ्लेक्शन के बाद बॉय तक। बिल्कुल, ये 1, ये 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, पहले दोनों की इक्वेशन बना सकता हूँ। अच्छा, अब डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2d/t नहीं लिखूंगा भाई, मैं डिस्टेंस यूज करूंगा। इसमें 2d इसलिए यूज नहीं कर सकता, इसमें एक डिस्टेंस दो मरतबा ट्रेवल नहीं हुआ, इसलिए मैं डिस्टेंस अलग से निकाल के लिखूंगा। तो मैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लिख रहा हूँ यहाँ, सही। ये पहले मैं 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम में पहला वाला जो साउंड उस तक पहुंचा उसने 350 मीटर ट्रेवल किया और टाइम लगा T1। तो मैं T1 कह सकता हूं 350 अपॉन V। दूसरा वाला जो उसको बैंग सुनाई दिया उसमें साउंड ने 150 मीटर दीवार की तरफ जाते हुए, फिर 150 मीटर गर्ल की तरफ आते हुए वापस, और फिर 350 मीटर्स बॉय की तरफ जाते हुए, मतलब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है दूसरी मर्तबा, एक 150 मीटर्स गोइंग टुवर्ड्स द वॉल, एक 150 मीटर्स रिटर्निंग फ्रॉम द वॉल टू द गर्ल, और फिर 350 मीटर्स फ्रॉम द गर्ल टू द बॉय, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है इस दौरान। बिल्कुल 650 मीटर से डिस्टेंस ट्रेवल हो गया है, जिसको आप T2 को बोल सकते हो 650 अपॉन V। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपको पता है इन दोनों में जो फर्क आया है वो 1 सेकंड का है,
two bands 1 second apart. So there was 650 upon V minus 350 upon V equals 1. V आपके पास आ जाएगा अगेन 300. ठीक है भाई, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ये एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन है. कोई मसला इस चीज में? ठीक है सर. मुझे टाइम नहीं पता चला ना, मुझे उसने बस इतना बोला था कि दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो 1 second का. He has two banks 1 second apart. मुझे सिर्फ इतना पता था क्योंकि उसने ऊपर ही लिखा हुआ था ना, तो मैंने T2 minus T1 को 1 के बराबर कर दिया. ठीक है, आगे बढ़ते. फिर अब हम जरा साउंड मेजर करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, यानी एको वाले मेथड से, कि अगर आवाज साउंड एको करती है तो आप किस तरह से स्पीड मेजर कर सकते हो. देखो एक क्वेश्चन तो ये है कि आप विदाउट सीआरओ करो. एक मेथड तो ये है कि आपने सीआरओ का इस्तेमाल नहीं करा, आप साउंड मेजर करने की बात कर रहे हो. तो विदाउट सीआरओ जो प्रोसेस है वो ये है कि भाई देयर आर टू पीपल स्टैंडिंग साइड बाय साइड. One person is going to produce sound and the other person is going to note the time for the sound to come back after the echo. Matlab misal ke taur pe the girl claps the wooden blocks together. Jaise wo wooden blocks ko clap karegi, the boy would start the stopwatch. Stopwatch immediately start ho jayegi. See, ab sound would travel, kyunki sound produce ho chuki hai, sound would travel all the way to the wall, reflect back and return to the boy. See, वो boy को वापस आएगी आवाज. जैसे ही boy तक आवाज वापस आएगी, boy stopwatch बंद कर देगा. मतलब एक तो वो आवाज आई जब wood blocks clap करेगा उसके बिल्कुल बराबर में, तब उसने stopwatch start कर दी. और जब वो sound return होके वापस उस तक पहुंची echo की form में, दूसरी मरतबा जब उसे आवाज सुनाई दी, उस वक्त उसने stopwatch बंद कर दी. तो उसे पता चल गया कि भाई echo होने में कितना जो है वो क्या लोग टाइम लगा, आवाज को जाके वापस आने में कितनी देर लगी. तो यहाँ पे यही चीज डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है कि भाई द प्रोसेस यूजेस टू पीपल फॉर एक्सपेरिमेंट स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट. टू स्टूडेंट्स ए एंड बी स्टैंड एट द सेम पॉइंट, वन विद द स्टॉपवॉच एंड द अदर विद द स्टार्टिंग पिस्टल. दे फायर द पिस्टल. बी starts the stopwatch simultaneously. मतलब बिल्कुल उसके साथ साथ जैसे ही block clap हुए stopwatch शुरू हो गया. स्टूडेंट भी स्टॉपवॉच रोक देगा उस वक्त जब आपका एको होगा. डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड स्टूडेंट एन बी इज मेजर, सही यूजिंग मीटर रूल, मीटर रूल बोलो सॉरी, यूजिंग मेजरिंग टेप, क्वार्टरनल व्हील, कुछ भी यूज कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस है तो, और जो टाइम है वो मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म होकर एक्सपेरिमेंट रिपीट करके एवरेज दिया जाएगा. एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स
एन एवरेज टाइम इज नोटेड. कभी एक मरतबा किया, दो मरतबा किया, तीन मरतबा किया, तीनों दफा जो टाइम आया उसका आपने एवरेज दे दिया. अब आप अपना फॉर्मूला यूज कर लो, स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी एवरेज. डी जो है वो डिस्टेंस है दोनों स्टूडेंट्स और वॉल के दरमियान में, और टी एवरेज आपका टाइम है. यहां से आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा. टू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दफा जाने में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, एक दफा वापस आने के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ. प्रकॉशन क्या होगा भाई, कोई और रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होनी चाहिए सराउंडिंग में, ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए. ओपन एनवायरनमेंट विद नो अदर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, और कोई दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर नहीं होनी चाहिए. इसमें कोई मसला? Yellow screenshot. आगे बढ़ते फिर एको के एक्सपेरिमेंट सीआरओ के साथ भी हो सकता है. ठीक है, एको के एक्सपेरिमेंट सीआरओ के साथ किस तरह से होगा ये समझो. क्या आपके पास एक लाउड स्पीकर है जो कि आपने सिग्नल जनरेटर से कनेक्ट करा है, मतलब यहां से साउंड जनरेट हो जाएगा. जब ये साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड पल्स यहां से बना, इट विल ट्रेवल ऑल द वे crossing the microphone towards the metal plate. ये sound इस metal plate से टकराएगी, reflect होगी, और microphone को वापस cross करती हुई जाएगी. एक pulse microphone तब detect करेगा जब आवाज उसको loudspeaker से निकल के cross करती हुई metal plate की तरफ जा रही होगी, और अगली पल्स उस वक्त डिटेक्ट होगी माइक्रोफोन के अंदर जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होगी. तो सीआरओ के ऊपर दो मरतबा पीक्स आएंगी. यहां पे आए ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पीक. थोड़ी देर बाद सेकंड पीक आएगी. ये फर्स्ट पीक जब साउंड फर्स्ट टाइम जा रहा था तब आई, और ये सेकंड पीक उस वक्त आई जब साउंड की रिफ्लेक्शन वापस आ गई. इन दोनों पीक्स में डिफरेंस होता है. सही, सेकंड पीक जो होती है फर्स्ट पीक से छोटी होती है. उसकी वजह ये होती है कि जब साउंड रिफ्लेक्ट होती है ना, तो थोड़ी सी एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाती है उस रिफ्लेक्टिंग बॉडी के अंदर. तो जब वो मेटल प्लेट से टकराएगी साउंड, तो इट लूज सम ऑफ इट्स एनर्जी, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ड्रॉप हो जाएगा. सही, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास ड्रॉप हो चुका होगा, लिहाजा पीक गिर जाएगी. अब आप क्या कर सकते हो भाई,
टाइम नोट करना है दोनों के दरमियान में, आप स्टार्ट से स्टार्ट भी नोट कर सकते हो, पीक से पीक भी कर सकते हो। ये चीज जो है, ये हमारे पास टाइम है साउंड के माइक्रोफोन से जाने और वापस माइक्रोफोन तक वापस आने में, सही? फ्रॉम माइक टू प्ले एंड बैक टू माइक, सही? ये वाला प्रोसेस, फ्रॉम माइक टू प्ले एंड देन बैक टू माइक, इस चीज का टाइम। अब आप एक्सपेरिमेंट को किस तरह डिस्क्राइब करोगे भाई, कि भाई अ सिग्नल जनरेटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड थ्रू अ लाउड स्पीकर, crosses the mic, second pulse is produced here. अब जो रिफ्लेक्टेड पल्स है, दो सही, पहला दो प्रोसेस में आपके पास ये चीज ड्रॉप हो रही होगी। हो सकता है मेरा ख्याल से अभी कोई इंटरनेट में लैगिंग आई हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो रिफ्लेक्टेड पल्स है उसका एम्पलीट्यूड इनिशियल पल्स से छोटा होगा, उसकी दो रीजंस है, सही? पहली रीजन, आपके पास कुछ एनर्जी रिफ्लेक्शन के दौरान लॉस हुई होगी एट द प्लेट, और दूसरा रीजन कि जो साउंड है वो ट्रैवल करते करते भी अपना अपनी एनर्जी लूज करती है। जैसे आप एक कमरे में बैठे हुए हो, आपका कोई कजन या आपका भाई या बहन, आपके अम्मी अब्बू, कोई भी दूसरे कमरे में कहीं बैठे हुए, तो आपकी आवाज उनको इतनी क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी जितनी आपके साथ बैठे हुए बंदे को सुनाई दे, क्योंकि साउंड अपनी एनर्जी डिसिपेट करता है, लूज करता है जैसे जैसे वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सही? तो एक तो एनर्जी एम्पलीट्यूड इसलिए कम हुआ क्योंकि आपके साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था, और दूसरे वो इसलिए कम हुआ क्योंकि रिफ्लेक्शन के दौरान आपके पास कह लो कि एनर्जी लूज हुई। इस वजह से आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड पल्स के साइज में डिफरेंट आता है, डिफरेंस आता है हमेशा। ठीक है भाई, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी कि एम्पलीट्यूड गिर क्यों गया? हाँ, फ्रीक्वेंसी वगैरह इट विल ऑल स्टे द सेम, क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करती है ना, इसमें कोई फर्क नहीं आया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं इसमें रिपीट एवरेज करने की ऐसी जरूरत होती रही है वैसे, बस ये है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा सीआरओ के ऊपर। तो आप ये कह सकते हो कि भाई सेट द टाइम बेस सेटिंग्स, सो दैट बोथ पल्सेस आर विजिबल ऑन स्क्रीन, सही? आप टाइम बेस सेटिंग सेट कर लो, और उसके बाद
यू यूज द टाइम बेस्ड सेटिंग्स एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस टू फाइंड द टाइम टी. क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइम टी मालूम करने का तरीका क्या होता है भाई, टाइम बेस सेटिंग को नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई करवा दो. एक छोटे बॉक्स की सेटिंग अगर आपको पता है तो आप मल्टीप्लाई करा के उसे जज कर सकते हो. और फिर आप आखिर में फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी. इसमें जो डिस्टेंस है वो आपके पास कौन सा होगा, माइक और प्लेट के दरमियान का. This D is the distance between the mic and the plate. मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ. ये आपके पास डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द माइक एंड द प्लेट. कोई मसला इस चीज में, इस बात को समझने के अंदर, ये पूरा प्रोसीजर जो हमने अभी डिस्कस किया, चाहो एक मर्तबा रीड कर लो. आगे बढ़ते हैं. एक सवाल दिया हुआ है, सही, इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं पहले. बोलते हैं लाउडस्पीकर एंड अ माइक्रोफोन आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल. लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन बिल्कुल बराबर बराबर रख दिए गए एक वॉल के सामने. लाउडस्पीकर मेक्स अ साउंड व्हिच इज डिटेक्टेड बाय द माइक्रोफोन. लाउडस्पीकर ने एक साउंड प्रोड्यूस की जो माइक्रोफोन ने डिटेक्ट कर लिया. द माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू एन ऑसिलोस्कोप which is set so that each division on the screen represents 0.1 seconds. Her division, matlab ek box 0.1 seconds ko 0.01 seconds ko represent karta hai. The microphone detects the original sound and the echo. Original sound will detect, the echo will detect. Speed of sound in air is 300 meters per second. Sound ki speed bhi given hai. बोलते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाउड स्पीकर एंड द वॉल. लाउड स्पीकर और वॉल के दरमियान का फासला कितना है, इस चीज को आप पता रखें. लाउड स्पीकर और वॉल के दरमियान का फासला मतलब ये है, आपसे ये डिस्टेंस मांगा जा रहा है. दिस इज द डिस्टेंस दैट दे आर आस्किंग. तो आप स्पीड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टू डी अपॉन टी. स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस आपको चाहिए, टाइम कितना लगेगा. देखो टाइम निकालने के लिए आप स्टार्ट से स्टार्ट तक का टाइम नोट कर सकते हो, पल्स का. तो यू हैव लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्सेस. हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं, तो जो टाइम होगा वो 0.08 हो जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स 0.01 सेकंड्स का था ना, और इस तरह के 8 बॉक्सेस हैं हमारे पास. जो टाइम लगा है साउंड को जाके वापस आने में वो 0.08 सेकंड्स लग गया. यहां से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो, 300 इंटू 0.08 अपॉन 2. डिस्टेंस आ गया आपके पास 12 मीटर्स. मतलब ये कि आपके पास जो वॉल से लेके लाउड स्पीकर तक का फासला है वो 12 मीटर्स का है. डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स.
कोई मसला इस चीज में, किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो वो पूछ ले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करते हैं और अल्ट्रासाउंड की डिस्कस करके हम एंड करते हैं लेसन को। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का मतलब ये है कि खसूसियात, जब भी आप साउंड को पढ़ते हो तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसका आपने ख्याल रखना पड़ता है। उसमें एक होती है उसकी लाउडनेस, एक होती है उसकी पिच और एक होती है उसकी क्वालिटी, जिसको दूसरे अल्फाज में टिम्बर बोलते हैं। लाउडनेस का जो ताल्लुक होता है साउंड का वो उसके एम्पलीट्यूड से होता है। जब आप साउंड का लाउडनेस बढ़ाते हो तो असल में साउंड का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हो। लाउडनेस ऑफ साउंड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। लाउडनेस इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड of sound. See, greater amplitude, there is a louder sound. Jitna zyada amplitude hoga utni zyada sound produce hogi. Agar main yahan pe do graph bana dun, तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा आपके पास, मतलब अगर मैं इसकी ग्राफ की वैल्यू बनाऊं तो ये लाउडर है, दिस वन इज क्वाइट, थोड़ी खामोश आवाज है, ये ज्यादा लाउड आवाज है, एम्पलीट्यूड ज्यादा, ग्राफ की हाइट ज्यादा है इसमें। ड्यूरेशन का मतलब बेटा, अगली चीज होती है पिच। पिच बोला जाता है आवाज की बारी, sharp the sound is, it tells about the sharpness of sound. होता ना केक प्लेट के अंदर अगर फोर्क कंटिन्यूसली चलाएं या मेटल के ऊपर कोई अगला मेटल का पीस रगड़े तो एक बड़ी बारीक सी चुभने वाली आवाज निकलती है ना, इरिटेटिंग साउंड, सही। तो वो एक वेरी हाई पिच की साउंड होती है, बहुत ज्यादा हाई पिच साउंड होती है, और लो पिच भारी आवाज होती है। जैसे कि आप अक्सर गाड़ियों के जो सिलेंसर्स हैं, कार्स के सिलेंसर्स को देखते हैं, काफी मोटी आवाज निकल रही होती है, बड़ा 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 करके, तो वो आवाज जो है वो हाई पिच साउंड, वो लो पिच साउंड हैवी साउंड है। इसी तरह यूजली कुछ लड़के होते हैं जिनकी आवाज बहुत भारी होती है, सही, उनकी आवाज का पिच कम होती है, और लड़कियों की आवाज की पिच ज्यादा होती है, उनकी आवाज कंपेरेटिवली थोड़ी बारीक होती है, सही। तो हमारे पास पिच जो है इट टेल्स अबाउट द शार्पनेस ऑफ साउंड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच, द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिच
एंड हेंस द शार्पर द साउंड. उतने ज्यादा शार्प आपकी साउंड. तो अगर मैं दो साउंड बनाऊ इसके एक्स एक्सिस टाइम है तो टाइम एक्सिस को देखते हुए एक ये वेव बनी. और एक ये वेव बनी. सेकेंड वाली वेव इट हैज इट इज शार्पर इट हैज अ हायर पिच क्योंकि इट हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी. ज्यादा वेव्स बनी है उतने ही टाइम में. जबकि दिस वन द साउंड इज ब्लंट भारी आवाज है. सी इट हैज अ लोअर पिच. ठीक है. एक एप्लीकेशन आती है फ्रीक्वेंसी जनरेटर के नाम से. सही है. उसको डाउनलोड कर लेना. उसमें देख लेना आपको पता चल जाएगा कि भाई फ्रीक्वेंसी किस तरह से वेरी हो रही होती है. फ्रीक्वेंसी बढ़ा के कम करके देखना आवाज की पिच में आवाज फर्क नजर आए. तो फिर तीसरा हमारे पास है क्वालिटी. क्वालिटी बोलते हैं टिम्बर को. टिम्बर का ताल्लुक होता है वेव फॉर्म का कि भाई सही है फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन जो आपकी वेव की शेप है उसमें फर्क पड़ता है. जैसे यहाँ पे तीन वेव्स बना के दिखाई गई हैं. एक वेव फ्लूट से निकली हुई आवाज है, एक वेव पियानो की आवाज है और एक वेव ट्रम्पेट की आवाज है. तो दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, हैव द सेम टाइम पीरियड, सही है, बट व्हाट डिफरेंस दे हैव इज द शेप ऑफ द वेव. ट्रम्पेट पियानो इनकी गैफ की शेप से अलग है. सही. तो एक ट्रम्पेट की आवाज पियानो की आवाज बिल्कुल मुख्तलिफ होती है. बिल्कुल इसका नेचर ही आवाज का. इसी तरह से एक फ्लूट की आवाज में और ट्रम्पेट की आवाज में लाजमी बात है फर्क है. तो क्वालिटी इट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द वेव. And hence, also depends upon the instrument from which the sound is produced. ठीक है. ये आपके पास क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है. ये नहीं है कि अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी, ये वाला मामले की क्वालिटी नहीं होती. ये एक जनरल क्वालिटी है भाई वेव जो बन रही है उसकी शेप कैसी हो, ये वाला मामला. ये नहीं कि भाई पियानो पियानो की आवाज अच्छी क्वालिटी की है, ट्रम्पेट की आवाज बुरी क्वालिटी की है. ये वाली क्वालिटी नहीं है कि वेव की शेप के लिहाज से बनी हुई क्वालिटी. ठीक है. कोई मसला इसमें? तंजील बेटा वेवलेंथ का इसमें ताल्लुक नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक होता है. जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी उसकी वजह से. लास्ट हमारे पास अल्ट्रासाउंड है. अल्ट्रासाउंड करके हम डिस्कस करते हैं, इसको खत्म करते हैं आज लेसन इसका. फिर ये है कि क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस भी कर लेना. मेजर जो भारी सवाल आते हैं वो मैंने क्लास में ही करवा दिए. ये है कि आप उसके खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर जहाँ मसला होगा उसे डिस्कस करना. कुछ क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं जिक्र कर लूँगा. अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड बोलते हैं साउंड वेव्स of frequency higher than 20,000 hertz. सही. बस
ये डेफिनेशन है बाकायदा, अगर आप लोग बोले ना अल्ट्रासाउंड डिफाइन करें तो आप बस इतना बोल दिया कि इट इज साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। की एप्लीकेशंस हैं खैर बहुत ज्यादा, जैसे डॉक्टर्स यूज अल्ट्रासाउंड टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडीज, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग द डेवलपमेंट ऑफ एन अनबॉर्न बेबी, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पहचाना जाता है। यूज टू डिटेक्ट फ्लॉज इन मेटल जॉइंट्स और क्रैक्स, अगर किसी मेटल में कोई ब्रेक आ गया तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप जज करते हो, जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम नजर आ रही है कि भाई अल्ट्रासाउंड की एक सोर्स है जहां से साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी डिटेक्टर के अंदर डिटेक्ट हो जाए। अगर कहीं क्रैक नहीं है तो साउंड देर से वापस आ रही होगी, अगर कहीं क्रैक होगा तो साउंड जल्दी वापस आ जाएगी। तो जैसे ही साउंड कहीं से जल्दी वापस आएगी हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई क्रैक आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिस वजह से साउंड जल्दी रिटर्न होके आएगी। तो आप उस प्रोसेस को वहां रोक के उस हिस्से की एग्जामिनेशन करना शुरू कर दो। अल्ट्रासोनिक पल्सेस को क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। साउंड बताऊँ किस तरह से, ज्वेलरी है आपको पता है ज्वेलरी का डिजाइन कितना ज्यादा इंट्रिकेट होता है, बारीक होता है, और गोल्ड तो वैसे भी मैलिएबल है, अगर आप उसको ज्यादा जोर से फोर्स वोर्स लगाओगे वो बेंड हो जाता है, खराब हो जाता है शेप। तो आप क्या करते हो, एक लिक्विड के अंदर ज्वेलरी को एम्बेड कर देते हो और उसके अंदर अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर साउंड वेव भेज दो पानी के अंदर। तो अब जब जैसे ही साउंड पानी के अंदर ट्रेवल करेगी ना, साउंड के मॉलिक्यूल्स बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेंगे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यानी एक 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेंगे ना, तो पूरा पानी ऑसिलेट कर रहा होता है, बहुत तेजी से ऑसिलेट कर रहा होता है। तो वो क्या करता है कि ज्वेलरी के अंदर अगर किसी इंट्रिकेट लोकेशन के अंदर कोई गार्बेज या कोई चीज फंस चुकी होती है ना, तो पानी की बैक एंड फोर्थ मोशन एक तरह से उसके ऊपर ब्रश पर काम करती है, ब्रश रब हो रहा होता है बिल्कुल उस तरह काम कर रही होती है। और थोड़ी देर में उसके अंदर जितने भी कचरा वचरा है वो सब चीजें जो है वहां पे साफ हो जाती है। इसी तरह अल्ट्रासोनिक पल्सेस किडनी स्टोन्स को स्मैश करने के लिए भी यूज होते हैं। आप हाई एम्पलीट्यूड की अल्ट्रासोनिक पल्स भेजते हो जिससे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है और किडनी स्टोन जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। और इसी तरह से सोनार सिस्टम भी आप यहाँ पे देखो कि सी बेड की एनालिसिस होती है, ट्रांसमीटर से आपने अल्ट्रासोनिक वेव भेजी, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट हुई और अल्ट्रासाउंड वेव वापस आ गई, जल्दी वापस आएगी इसका मतलब डेप्थ कम है, देर से वापस आ रही है मतलब डेप्थ ज्यादा है। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बाकायदा एनालाइज कर सकते हो कि जो सी बेड है उसकी शेप कैसी है, कहीं पे अगर कोई शोर ऑफ फिश आ गया सही है, या एकदम से कोई एनामली नजर आ गया, भाई पूरा कोई जहाज वहाज डूबा हुआ नजर आ गया, तो पता चल जाता है यार नीचे कोई चीज मौजूद है, तो वो जाके उसको ऑब्जर्व कर। ये सिलसिला अच्छा, चलो दैट्स राइट, ठीक है, एप्लीकेशन भी मिल गया, मुझे भी बताने का मौका मिल गया, भाई मेरे एक स्टूडेंट इस प्रोसेस को देख चुके हैं, वो समझ चुके हैं कैसे। ठीक है जनाब, आज का लेसन हम यहीं पर रखते हैं, इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, मैं आज कोशिश करूंगा कि बाय टुनाइट इस पीडीएफ को और इस लेक्चर को मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप पढ़ सको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।